दोस्तों आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में। आयुर्वेद में इसे अवबाहुत कहा जाता है, वही मॉडर्न साइंस में इसे एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहा जाता है। फ्रोजन शोल्डर के प्रमुख लक्षण है हमारे शोल्डर जॉइंट में दर्द होना, यहाँ तक कि जकड़ाहट महसूस करना। ज़्यादातर रात में इसका दर्द हमें महसूस होता है। कभी कभी ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि हम बालों में कंघी तक नहीं कर पाते या हमें कपड़े पहनने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब जानेंगे इसके कारण क्या है। फ्रोजन शोल्डर का प्रमुख कारण है आघात, जिसे ट्रॉमा या एक्सीडेंट कहेंगे, हमारे शोल्डर जॉइंट को चोट लगना। दूसरा एक कारण है हमारे शरीर में वात दोष का ज़्यादा बढ़ जाना, शोल्डर जॉइंट का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना, यहाँ तक कि बैठना और सोने की पोजीशन की गलतियों की वजह से भी हमें शोल्डर जॉइंट में दर्द महसूस होता है, एसी का ज़्यादा इस्तेमाल करना। कुछ ऐसी बीमारियाँ जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, यहाँ तक कि पैरालिसिस के पेशेंट को भी फ्रोजन शोल्डर का सामना करना पड़ता है। आयुर्वेद में फ्रोजन शोल्डर की चिकित्सा बहुत ही अच्छे से वर्णन की गई है। ग्रंथकारों ने सबसे पहले स्नेहन करने के लिए कहा है, जिसमें महाविषदर्भ तेल, टोटम चुकादि तेल, प्रसारण्यादि तेल, महानारायण तेल, ऐसे विशिष्ट तेलों से अगर हम शोल्डर जॉइंट पे मसाज यानी स्नेहन करते हैं तो हमें इससे आराम मिलता है। फ्रोजन शोल्डर में स्नेहन करते समय हमें गर्दन से शोल्डर जॉइंट की दिशा में मसाज करनी चाहिए। दूसरा है स्वेदन चिकित्सा, स्वेदन यानी स्टीम देना। इसमें पत्र पोटली स्वेद, नाड़ी स्वेद, ऐसी चिकित्साएं स्वेदन की जा सकती है, जिसमें निर्गुंडी, दशमूल, देवदार, ऐसे हर्ब्स यानी वनस्पतियों का इस्तेमाल स्वेदन में किया जाता है। तीसरा है नस्य चिकित्सा, नस्य में कुछ विशिष्ट तेल जैसे अनु तेल, प्रसारण्यादि तेल, ऐसे तीक्ष्ण या उग्र तेलों को नासा यानी नाकों में डाला जाता है, जिससे कि हमारे मन्या प्रदेश में या हमारे अंश यानी शोल्डर जॉइंट की जकड़ाहट कम होने में मदद मिलती है। चौथा है बस्ती चिकित्सा। दोस्तों बस्ती ये आयुर्वेद में अर्ध चिकित्सा कही गई है, जिसमें बस्ती द्वारा हम पूरे शरीर की शुद्धि करते हुए हमारे शरीर के वात दोष पर नियंत्रण पाते हैं और शोल्डर जॉइंट के पेन और जकड़ाहट से मुक्ति पाते हैं। अग्निकर्म से फ्रोजन शोल्डर के दर्द में और जकड़ाहट में तुरंत फायदा होता है, ऐसा अनुभव है। आयुर्वेदीय औषधियों में कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं जैसे देवदार, रासना, सुंठ, लहसुन, दुडुची, ऐसे वनस्पतियों का सेवन अगर हम अपनी प्रकृति के अनुसार करते हैं तो हमें फ्रोजन शोल्डर के दर्द और जकड़ाहट से राहत मिलती है। साथ ही कुछ कल्प जैसे योगराज, महायोगराज, दुदुल, ऐसे कल्पों का नज़दीकी वैद्य के सलाह से लेते हैं तो फ्रोजन शोल्डर में आराम मिलता है। धन्यवाद।